पैनोरमा इंडिया ने महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के लिए भारत दिवस समारोह का रविवार 20 अगस्त 2023 को टोरंटो के नाथन फिलिप्स स्क्वायर सेंटर में आयोजन किया। इस अवसर पर भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रस्तुतियां दिखाई पड़ी। जिनमें से एक गुजरात की भी प्रस्तुति थी, जिसमें गुजरात के अलग अलग डांस फॉर्म पर पैनोरमा इंडिया इन पर्सन इंडिया डे 2023 समारोह में विभिन्न राज्यों की प्रस्तुतियां तो हुई ही, साथ ही कुछ आधुनिक फॉर्म के डांस भी देखने को मिले, जिसे लोगों ने काफी सराहा। पैनोरमा इंडिया इन पर्सन इंडिया डे 2023 में अलग अलग राज्यों के बहुत सारे नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इन्हीं में से एक था महाराष्ट्र का नृत्य। इसमें लावणी की प्रस्तुति की गई, साथ ही और भी कई नृत्य फॉर्म यहां पर दर्शाए गए, जिसने दर्शकों को आकर्षित किया। कारम में तो कुल सुटूरा दोस्तुल की बेमा आस्तुल पंद्रहवां इंडिया इन पर्सन इंडिया डे 2023 समारोह में एक प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य का भी किया गया, जिसने लोगों का मन मोह लिया। काले वस्त्रों में किया गया ये नृत्य लोगों को काफी आकर्षित कर रहा था।
टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से पैनोरमा इंडिया इन पर्सन इंडिया डे 2023 समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुत से लोगों ने हिंदी टाइम्स मीडिया को बधाई दी। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राकेश तिवारी जी का जो हिंदी साहित्य के लिए कनाडा में आकर इतना जोरदार काम कर रहे हैं जिसकी हमारे शब्दों में उसकी गणना नहीं कर सकते। राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उसकी मेहनत के लिए हम चाहते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे बढ़े और ऐसे ही हिंदी को आगे बढ़ाते रहें। हमारी एसोसिएट हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका मैं राजेश वशिष्ठ सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए तो सौभाग्य का अवसर है कि कनाडा की धरती पर हमें अपने देश को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। यहाँ हम अपने देश के बहुत अच्छे राज्य हरियाणा को प्रेजेंट करने वाले हैं। वहाँ का फोक डांस, वहाँ के हरियाणवी सॉन्ग पर डांस करने वाले हैं। हिंदी टाइम्स इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट हियर। वी आर रिप्रेजेंटिंग दादा भगवान फाउंडेशन, विच इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर बेस्ड इन गुजरात अडालज and we are representing here in this Panorama India very nice festival of India 15th August of celebration, India Day celebration. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Aditya Nath ki jai, Aditya Nath ki jai, Aditya Nath ki jai bolo, Jai Shri Ram. हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पर कनाडा के जीटीए की टोरंटो के जो कुछ भी नाम दिया जाए नंदा लॉ ऑफिस के फेमस नंदा लॉ ऑफिस के नंदा साहब हमारे साथ में कुछ मौजूद हैं। नंदा साहब पैनोरामा इंडिया में इस प्रोग्राम पर आए हुए हैं, आप लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी आपका और सबको जो देख रहे हैं सबको आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम बहुत सालों से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड सभी जो भारतीय हैं जो कैनेडा में बसते हैं खासकर टोरंटो के एरिया में बसते हैं उनको आना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेहुल क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? एवरीथिंग इज गुड, दिस इज विजय जैन एंड आई हैव टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन बिहाफ। वी हैव फाइल्ड अ पिटीशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, इट्स बीन अप्रूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेलिसा लैंसमैन। द पिटीशन इज टू एड्रेस एंड रिकॉग्नाइज हिंदू फोबिया, देयर इज अ ग्रोइंग हिंदू फोबिया इन कनाडा। आवर कल्चर, आवर हिंदू कल्चर हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड and misunderstood by the mainstream here. To address that and to address it meaningfully, we have filed a petition. To sign the petition, there are two steps. Scan the document here and you will get a link. Fill the your information, you get email from parliament and in the email there's a link. Click the link, the process complete. So I request everyone, whether you are Hindu, not Hindu, as long as you live in Canada, please sign this petition. Oh my god!
एक लड़की।